नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज अपन बात करने वाले हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं क्या वह भी जातियों में बटे हुए होते हैं, और जो पसमांदा मुस्लिम हैं तो वह कौन हैं, और भारतीय राजनीति में वह क्या मायने रखते हैं, और BJP उनको लेकर क्या रणनीति बना रही है, उसी के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पसमांदा मुस्लिम कौन है? तो पसमांदा शब्द जो है वह फारसी भाषा से लिया गया है, और फारसी में पसमांदा का अर्थ होता है पीछे छूटे हुए लोग। तो पसमांदा मुस्लिमों का अर्थ है जो मुस्लिमों में पीछे छूट गए हैं, उन्हीं को पसमांदा मुस्लिम कहा जाता है। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महज के संस्थापक और राज्यसभा सांसद रहे अली अनवर कहते हैं कि मुस्लिम समाज भी जातियों में बटा है। जो मुस्लिम जातियाँ सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं उन्हें पसमांदा मुस्लिम कहते हैं। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं जिनसे छुआछूत होती है, लेकिन यह हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियां यानी SC की सूची में नहीं आए। अलग अलग जातियों में बटे पिछड़े मुस्लिमों को जाति से जमात की नीति पर एकजुट करने के लिए पसमांदा शब्द की शुरुआत हुई थी। अगड़े और पिछड़े के अलावा मुस्लिमों में मजहब के आधार पर कितने बंटवारे हैं? तो वह मुख्य रूप से दो हैं, पहला शिया और दूसरा सुन्नी। अब इन संप्रदायों में भी और भी समुदाय हैं जो कि अलग अलग हैं। जैसे कि अब सुन्नी संप्रदाय में 6 समुदाय हैं। पहला है हनफी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में। हनफी में भी 2 समुदाय हैं, पहला है देवबंदी, दूसरा है बरेलवी। फिर दूसरा है मालिकी, जो कि मिडल ईस्ट के देशों में रहते हैं, साफई मिडल ईस्ट और इंडोनेशिया में। चौथा है हम्बली, कतर, सऊदी अरब और कुवैत में। पाँचवा है अहले हदीस, सलफी और बहावी, दक्षिण एशिया और मिडल ईस्ट में रहते हैं। छठा है अहमदिया, जो कि भारत और पाकिस्तान में रहते हैं। अब शिया संप्रदाय में भी 3 समुदाय हैं, पहला है इस्ना असअरी, ईरान, इराक, भारत, पाकिस्तान, लेबनान में रहते हैं। दूसरा है इस्माइली, ईरान, मिडल ईस्ट, भारत और पाकिस्तान में रहते हैं। तीसरा है जैदी, जो कि यमन में रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में करीब 17 करोड़ मुस्लिम थे, जो कि अभी यह आंकड़ा 20 करोड़ के करीब होगा, और इनमें 85 से 87% मुस्लिम जो हैं वह सुन्नी हैं। अब सुन्नियों में भी अगड़े और पिछड़े के आधार पर 2 वर्ग हैं। पहला है अशरफ यानी उच्च वर्गीय मुसलमान, इसमें सैयद, शेख, मुगल, पठान, रांगड़ या मुस्लिम राजपूत त्यागी मुसलमान आते हैं। दूसरा है पसमांदा यानी OBC और दलित मुसलमान, कुंजड़े, रायन, जुलाहे, अंसारी, धुनिया, मंसूरी, कसाई, कुरेसी, फकीर, अलवी, हज्जाम, सलमानी, मेहतर, हलाल खोर, ग्वाला, घोसी, धोवी, हवारी, लोहार, बड़ई, सैफी, मनिहार, सिद्दीकी, दर्जी, इदरीसी, बनगुज्जर आदि। भारत में पसमांदा मुस्लिमों को ठगासक क्यों बताया जा रहा है? उसके पीछे कारण है 1947 से 2019 तक के लोकसभा चुनावों पर अगर अपन गौर करें तो करीब 7500 सांसद जीत कर आए लोकसभा में। इनमें 400 सांसद मुस्लिम समाज से थे, इनमें से केवल 60 सांसद पसमांदा मुस्लिम समाज से थे। तो इसीलिए जो पसमांदा मुस्लिम हैं उनको राष्ट्रीय राजनीति में वह दर्जा नहीं मिल पाया है जो कि उनको मिलना चाहिए था, इसलिए उन्हें ठगासा बताया जा रहा है। BJP की निगाह पसमांदा मुस्लिमों पर कैसे आन पड़ी? तो भारत के CDS की लोकनीति सर्वे 2022 ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 8% पसमांदा मुस्लिमों ने UP विधानसभा में BJP को वोट दिए। इसकी वजह से कई सीटों पर BJP की जीत में पसमांदा ने अहम भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमांदा मुस्लिम 18% है। ऐसे में साफ है कि इसने यात्रा के जरिए BJP ने सिर्फ 80 लोकसभा वाले UP बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। और दूसरा कारण है 2011 के जनगणना के मुताबिक इन 5 राज्यों में मुस्लिम आबादी की बात करें तो UP में करीब 19%, बिहार में 17%, बंगाल में 27, झारखंड में 14 और असम में 34% मुस्लिम है। इनमें से ज़्यादातर संख्या पसमांदा मुस्लिमों की है। इन राज्यों में 190 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी पसमांदा मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। इसलिए BJP 2024 को ध्यान में रखते हुए यह पसमांदा मुस्लिमों को साधने में लगी है। अब BJP की कोशिश का पसमांदा पर कोई असर दिख रहा है? तो BJP की कोशिश का पसमांदा मुस्लिमों पर कितना असर पड़ रहा है, इसका जवाब पसमांदा मुस्लिम समाज संगठन के
राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने दिया है। अनीस का मानना है कि यूपी में बीएसपी और एसपी ने हमें सपने दिखाए और वोट लिया, मगर चुनाव के वक्त किए गए वादों को भूल गए, जबकि बीजेपी सरकार ने राशन, शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना का जाति धर्म देखे बिना सबको लाभ दिया, इसलिए 2022 में हमारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो पसमांदा मुस्लिम हैं वह कौन है और मुस्लिम जो हैं वह किस प्रकार से जातियों में बटे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में।